हारने के आने तुझे साथ ले जाए कभी से भी लोग पूजा करने जाए। लाखों वर्ष पहले पाप और पुण्य के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ था, जिसमें पुण्य के पक्ष में थे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और पाप का प्रतीक था आततायी राक्षस रावण। बात त्रेता युग की है। लंकेश रावण के अत्याचारों से मानवता त्राहि त्राहि करने लगी थी। तब धर्म की रक्षा के लिए भगवान श्री राम ने वानर सेना के साथ सागर पार जाकर रावण से संग्राम छेड़ दिया। भगवान राम के अमोघ बाणों से रावण के प्रधान सेनापति जब मारे जाने लगे तो रावण सेना में सब ओर हताशा व्याप्त हो गई। इस विनाश से चिंतित होकर रावण ने विशालकाय कुंभकर्ण को युद्ध भूमि में भेजा। क्रूरकर्मा कुंभकर्ण वानरों को गाजर मूली के समान खाने लगा। इस विकराल स्थिति को देखकर वीर लक्ष्मण ने भगवान श्री राम से कुंभकर्ण का अंत करने की प्रार्थना की। धनुर्धारी श्री राम ने एक बाण से उसकी दक्षिण भुजा काट डाली और दूसरे बाण से उसका सिर छेद दिया। कुंभकर्ण की पर्वताकार देह भूमि पर गिरते ही वानर सेना में उल्लास की लहर दौड़ पड़ी और सब ओर जय घोष होने लगा। अपने भाई कुंभकर्ण की मृत्यु के पश्चात रावण के सम्मुख अंतिम आशा बची। देवराज इंद्र को भी जीतने वाला उसका पुत्र मेघनाद। घोर कर्मा मेघनाद विभिन्न अस्त्र शस्त्रों से वानरों का संहार करने लगा। उसके इस विकराल पराक्रम से वानर सेना व्यथित हो उठी। वो निशाचर इस पर ही नहीं रुका और अदृश्य होकर मायावी युद्ध करने लगा। अदृश्य शत्रु के साथ हम कैसे युद्ध करें? हम अधर्म नहीं कर सकते। आज हमारा दिन नहीं है। प्रभु श्री राम ने सर्वशक्तिमान होते हुए भी इस निशाचर लीला का उत्तर नहीं दिया और तब युद्ध विशारद मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र का आह्वान किया। ब्रह्मास्त्र के प्रभाव से तक्षण ही समस्त 64 करोड़ वानर सेना युद्ध पर गिर पड़ी। शेषावतार श्री लक्ष्मण सहित परात्पर ब्रह्म के अवतार प्रभु रघुनंदन श्री राम भी। राज जामवत, आप जीवित तो हैं? विभीषण, हनुमान जीवित है ना? क्या कहा? श्री राम? हनुमान जीवित है क्या? आपका प्रश्न उचित नहीं है ऋक्षराज। पूछे श्री राम जीवित है क्या? मेरा प्रश्न उचित ही है। यदि हनुमान जीवित तो श्री राम पर कोई संकट नहीं आ सकता। संकट से उबरने के लिए जिस असीम पराक्रम की आवश्यकता है वो केवल हनुमान के पास ही है। हनुमान के बिना हम लोग जीते हुए भी मृतक के समान।
और यदि संकट मोचन महाबली हनुमान जीवित हैं, तो ये मरी हुई सेना फिर से उठ के लड़ेगी और युद्ध जीत के रहेगी। सखी जामवंती, आपने यदुनाथ के दर्शन किए क्या?
नहीं तो रानी सत्यभामा, कल रात भर से तो वे आपके कक्ष में थे और प्रातःकाल से उपासना कक्ष में है। अच्छा, चलिए देखते हैं। की पूजा आज देर तक चलने वाली है। प्रश्न ही नहीं उठता। पुरुषोत्तम तो मेरे कक्ष में लौट आने के लिए स्वयं अधीर हो रहे होंगे। अधीर? मुझे तो ऐसा नहीं दिखता। उपासना के समय प्रियतम के अधरों पर ये मुस्कान कैसी? कहीं ये मेरे कथन पर तो नहीं? नहीं नहीं, निश्चित ही भगवान जनार्दन जामवंती की बाल बुद्धि पर मुस्कुरा रहे होंगे। यह सत्या सदैव अपने सौंदर्य के अभिमान में चूर रहती है। फिर मुस्कुरा रहे हैं, कहीं मेरी वाचालता पर तो नहीं? भगवान राजेश्वर के रहस्यों को तो केवल रुक्मणी दीदी ही जान सकती है। आइए दीदी, यहाँ पर आप ही की चर्चा हो रही थी। अच्छा, वो भला क्यों? आज द्वारकानाथ उपासना करते हुए मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। लीजिए, अब आप भी, आप लोग इन्हें जानते तो हैं। मुस्काना तो हमारे प्रभु का स्वभाव है। और सत्यभामा से अच्छा भगवान नारायण के रहस्य कौन जान सकता है? क्यों सत्य प्रिय? बात टालिए मत दीदी, बताइए ना। अरे, मैंने देखा होता तो मैं कदाचित बता भी सकती थी। और वैसे भी
भगवान अनंत के मन में कब क्या चलता है अन्य कौन जान सकता है। वो तो रहस्यों के सागर है। लो, लगता है उनकी उपासना संपूर्ण हो गई। उन्हीं से पूछते हैं। अरे आप सब यहां, मुझसे कोई अपराध तो नहीं हो गया देवियों? प्राणवल्लभ, हम सब यहां आपके मुस्कान के रहस्य को जानने की जिज्ञासा से पीड़ित है नाथ। हमारी पीड़ा का समाधान कीजिए माधव। आज चैत्र पूर्णिमा है, हनुमान जयंती। आज ही के शुभ पर्व पर पवन पुत्र वीर हनुमान का जन्म हुआ था। मैं उन्हीं के स्मरण में आनंद मग्न था। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजग वंदन, हनुमान अपार बलशाली हनुमान, ज्ञानियों में अग्रणी हनुमान, परम योगी हनुमान, पवन वेग से उड़ने वाले हनुमान, एक छलांग में 100 योजन सागर पार कर जाने वाले हनुमान, संकट मोचन महाबली हनुमान, मेरे प्रिय हनुमान, उनकी हर लीला एक से बढ़कर एक रोमांचकारी और आनंददायक है। अंजनी नंदन हनुमान की कीर्ति सदैव बढ़ती रहे। अस्तु, उनके जैसी अनन्य भक्ति दुर्लभ है। सत्य कहा देवी। मेरे हर भक्त में कभी ना कभी अहंकार आ ही जाता है, किंतु हनुमान में नहीं। वे अहंकार शून्य है। आह हनुमान, कितना समय बीत गया भक्त हनुमान के दर्शन किए हुए। स्वामी, क्या हम लोग उनके पुनः दर्शन नहीं कर सकते? आपने मेरे मन की बात भांप ली प्रिय। मेरा भी मन प्रिय हनुमान को देखने के लिए आतुर हो रहा है, पर आज तो अच्छा अवसर भी है। किसी योग्य व्यक्ति को ही ये शुभ कार्य सौंपना होगा। पक्षीराज गरुड़, ये पक्षीराज, हे
भगवान का यह भवन मेरे द्वारा रक्षित है, और जब तक इस द्वार पर मैं स्थित हूं, किसी भी अवांछित व्यक्ति का प्रवेश असंभव है, चाहे वे स्वयं शचीपति इंद्र या पितामह ब्रह्मा ही क्यों ना हो। और आप तो जानते ही हैं, इस समस्त ब्रह्मांड में मैं सर्वश्रेष्ठ अस्त्र हूं। आप मेरा उल्लंघन करके भीतर नहीं जा सकेंगे। यदि ऐसी बात है तो आप भी सुन लीजिए अस्त्र सुदर्शन, पूरे ब्रह्मांड में मेरे भी वेग और गति की कोई तुलना नहीं है। मैं समस्त चराचर के स्वामी का भार वहन करता हूं। यदि मैंने अपना भार आप पर डाल दिया तो आप हिल भी नहीं सकेंगे। यदि ऐसा ही है तो आप अपने बल की परीक्षा कर सकते हैं, पर ध्यान रहे, मेरी मारक शक्ति के सम्मुख इंद्र का वज्र भी व्यर्थ हो गया था। पक्षीराज को प्रवेश की अनुमति है मित्र सुदर्शन। स्वागत है पक्षीराज गरुड़। सब कुशल तो है पक्षीराज? आपके इस सेवक के लिए अकुशल असंभव है प्रभु। क्या आज्ञा है भगवान? आज प्रिय हनुमान से मिलने की तीव्र आकांक्षा हो रही है, क्या आप जाकर शीघ्र ही उन्हें यहाँ ले आएंगे? जी प्रभु। आप किस हनुमान की चर्चा कर रहे हैं स्वामी? आप हनुमान को भूल गए विनीतानंदन? मैं उसी हनुमान की बात कर रहा हूं, बाल्यकाल में ही जिसने तपते हुए सूरज को लाल फल समझकर निगलने का प्रयास किया था, जिसके भय से कांपते हुए भयंकर राक्षस राहु देवाधिपति इंद्र के पास भागता चला गया था, वही हनुमान जिसने देवराज इंद्र के वाहन गजराज एरावत को एक मन भावन खिलौना समझकर यत्र तत्र उछालना आरंभ कर दिया था, वही हनुमान जिसने रावण की सोने की लंका को एक घड़ी में ही जलाकर राख कर दिया था। मैं संकट मोचन महाबली हनुमान की बात कर रहा हूं। स्मरण आया पक्षीराज? जी प्रभु। किंतु त्रेता युग से अब तक कई लाख वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, क्या वो हनुमान अभी तक जीवित होंगे? हमारे हनुमान चिरंजीवी हैं, कल्पांत तक वो अपने इसी केसरी नंदन स्वरूप में रहेंगे। यदि ऐसा है तो इस धरा पर वो कहीं पर भी हों, मैं अपनी पैनी दृष्टि से उनका अन्वेषण करके शीघ्र आपके समक्ष उपस्थित करता हूं। आपकी पैनी दृष्टि पर मुझे कभी भी संदेह नहीं था वैंते। परंतु आपको इतना परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है, आप सीधे हिम पुरुष वर्ष में जाएं। वहां पर हेमकुट पर्वत के जिस भी शिखर पर आपको राम नाम का निरंतर जाप उठता सुनाई दे, भक्त शिरोमणि हनुमान आपको उसी पर्वत पर मेरे ध्यान में आसीन मिलेंगे। आप शीघ्र ही उन्हें मेरे समीप ले आइए। यदि यह कार्य आपने पवन देव को सौंपा होता तो कदाचित विलंब की संभावना थी, नहीं ये गया और ये आया हनुमान के साथ। आपका वेग तो अतुलनीय है पक्षीरा। आज्ञा दे प्रभु।
और सबसे अच्छी बात तो ये है कि आपको अपने वेग का तिल मात्र भी अहंकार नहीं। रामावतार के समय एक बार देखा तो था इन्हें, वही वानर आकृति है, शरीर से कैसा तेज निकल रहा है। जय श्री राम। आश्चर्य है, इतना समय बीत जाने पर भी यह प्रतीत होता है जैसे अभी यौवन में प्रवेश किया हो। जय श्री राम। हे वानर श्रेष्ठ, मैं विनिता पुत्र गरुड़ हूं, लोक प्रकाशक भगवान सूर्य के सारथी अरुण मेरे अग्रज हैं। विघ्न डालने वाले कौन हो तुम? मैं कश्यप पुत्र गरुड़। श्री राम क्षमा करें, पक्षीराज, हे वैंदे, आपको कोई क्षति तो नहीं पहुंची? मैं जगतपति का भार उठाता हूं, मुझे क्षति पहुंचा सके ऐसी कोई शक्ति संसार में नहीं है। निसंदेह आपकी शक्ति से कौन परिचित नहीं है, आप भगवान के प्रिय भक्तों में से हैं, आप पर उनकी विशेष कृपा रहती है, आज आपके पुनः दर्शन करके हृदय शीतल हो गया। आइए कुछ देर राम नाम का संकीर्तन करते हैं। श्री राम राम रघुनंदन राम राम श्री राम राम श्री राम राम। ये संकीर्तन करने का समय नहीं है, भगवान श्री कृष्ण ने आपको तत्काल ले आने का आदेश दिया है। किसने आदेश दिया है? द्वारकाधीश यदुकुल भूषण हमारे स्वामी श्री कृष्ण ने। मुझे उनसे क्या काम? क्या काम? वे परात्पर ब्रह्म गोलोक के स्वामी श्री कृष्ण हैं। क्षमा करें, मैं तो अपने प्रभु श्री राम का दास हूं,
उनके अतिरिक्त मैं किसी और को नहीं जानता। हे वानर, चिरंजीवी आप अवश्य हो गए हैं, किंतु आप निरे वानर ही रहे। देखिए, स्वेच्छा से चलिए, अन्यथा 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 आपको बांध कर ले जाने के लिए मेरे पास पाश भी हैं। बोलिए, चलेंगे कि नहीं? होइए सोही जो राम रची राखा। बहुत हो गया, लगता है अब गरुड़ पाश का प्रयोग करना ही होगा। श्री राम। उन्होंने आने से मना कर दिया। नाथ, आप तो उनके गुण गाते नहीं थक रहे थे, किंतु आपके भक्त शिरोमणि तो बड़े ही अहंकारी सिद्ध हुए। भूल मेरी ही है। आप हनुमान से जाकर कहिए कि श्री राम उनका स्मरण कर रहे हैं। स्वामी, स्वामी वे बड़े ही उद्दंड हैं। निश्चिंत रहे पक्षीराज, राम का नाम सुनकर वे दौड़े चले आएंगे, और यदि ना भी आए तो इस बार आप उन्हें पल पूर्वक ले आइएगा। ऐसे भी आपके बल और गति के आगे कोई क्या ठहरेगा पक्षीराज? श्री राम, श्री राम, श्री राम। हे कपिवर, प्रभु श्री राम द्वारका में आपका स्मरण कर रहे हैं। धन्य है पक्षीराज, मेरे प्रभु श्री राम का संदेश लाने वाले। हे विंते, आप सदैव प्रभु के प्रिय बने रहे। जय श्री राम। प्रणाम सूर्यदेव। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित सुनबे को रसिया।
प्रभु चरित सुनबे को रसिया राम लखन सीता वन बसिया रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर सहारे रामचंद्र के काज सवारे हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस त्रिलोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस त्रिलोक उजागर जय भूकंप आ रहा है। सभा टोल क्यों रही थी प्रभु? किंतु प्रभु और रुक्मणी दीदी पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। प्राणवल्लभ, कहीं आपने असम में प्रलय लीला तो नहीं आरंभ कर दी? नहीं प्रियतमा, ना तो भूकंप आ रहा है और ना ही प्रलय। तो फिर भक्त शिरोमणि आंजनेय हनुमान आ रहे हैं। आगे प्रवेश वर्जित है। प्रणाम करता हूं अष्ट शिरोमणि। मैं केसरी पुत्र हनुमान हूं, रघुकुल तिलक प्रभु श्री राम का एक तुच्छ दास हूं। आप कोई भी हो, यहां किस प्रयोजन से आए हैं? मुझे मेरे स्वामी ने बुलाया है। तो यहां क्यों आए हो? क्या जानते नहीं ये यदुकुल पालक श्री कृष्ण का राज प्रसाद है? होगा, मेरे प्रभु ने यही आदेश दिया है। व्यर्थ की बातों के लिए मेरे पास समय नहीं है, चलिए जाइए यहां से। स्वामी की आज्ञा का पालन किए बिना भक्त की कहां गति? मुझे भीतर जाना ही होगा। मुझसे हट, अब देखिए मेरा उग्र रूप। होइए सोही जो राम रची राखा। जय जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस त्रिगुलोक उजागर।
उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस पितृ लोक उजागर जय बली हनुमान के लिए अब मुझे राम रूप धारण करना होगा। सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालु नर्निन्यं जाने नैव जाने न जाने लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचंद्रं शरणं
प्रपद्ये रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। नाथ, मैं निरंतर आपकी वंदना करता हूं, आपके चरणों का ध्यान करता हूं, पर आज आपके साक्षात शुद्ध चरण कमल से, तुलसी की सुगंध से दास का हृदय तृप्त हो गया प्रभु। इतने वर्षों पश्चात तुम्हें देखकर मेरा हृदय भी गदगद हो गया प्रिय हनुमान। मेरे लिए क्या आदेश है प्रभु? वत्स हनुमान, मुझे यहां द्वारका में देखकर तुम्हारे चित्त में कोई जिज्ञासा तो नहीं उठ रही? या कोई और भी बात यदि मन को व्यथित कर रही हो तो संकोच ना करो, पूछ लो। प्रभु, आप संपूर्ण चराचर जगत के स्वामी हैं, आप तीनों लोक में हैं, तीनों कालों में हैं, सभी समय सभी स्थान पे उपस्थित रहते हैं। आपके कहीं भी होने में आश्चर्य कैसा? पर माता सीता कहीं दिखाई नहीं दे रही। और ये आपके समीप ये सेविका कौन है? माता सीता,
पुत्र का प्रणाम स्वीकार करें। तुम्हारी रघुपति भक्ति निरंतर बढ़ती रहे।